पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग का आयोजन मानसरोवर में किया गया। एनुअल मीट की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष नवेदुर रहमान के द्वारा की गई। सर्वप्रथम एसोसिएशन के सदस्यों का स्वागत निर्यातकों के द्वारा किया गया और सभी का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर मीटिंग में सचिव अवधेश अग्रवाल के द्वारा अब तक की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए सचिव अवधेश अग्रवाल ने पूर्व में जारी की गई बैलेंस शीट पर एतराज जताया और कहा कि जो बिंदु बैलेंस शीट में शामिल किए गए हैं वो निर्यातकों के लिए सही नहीं है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई वार्ता को भी सभी के समक्ष रखा गया। कहा गया कि जो भी समस्याएं हैं वो सभी अधिकारियों के सामने रखी गई हैं। साथ ही कहा कि जीएसटी रिफंड के लिए एक अभियान चलाया गया जिस पर तेजी से काम किया जा रहा है। बात छोटी को लगा के दिल से तो रिश्ता फिर निभाएगा कौन? दुखी मैं भी और तुम भी, बिछड़ कर सोचो हाथ बढ़ाएगा कौन? न मैं राजी न तुम राजी, फिर माफ करने का बड़प्पड़ दिखाएगा कौन? तो धैर्य बनाएगा कौन? एक अहम मेरे एक तेरे भीतर, इस अहम को हराएगा कौन? कोई अहम नहीं है हमारे में। हम इंडस्ट्री को कुछ देने के लिए आए हैं। जिंदगी किसी को नहीं मिली है सदा के लिए, मौत का किसी को नहीं पता किस दिन मौत आ जाएगी। फिर भी इन लोगों में अकेला रह जाएगा कौन? मैं अकेला नहीं रहना चाहता, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे साथ रहें जब तक मैं जीऊं। मुझे दोनों में से अगर किसी ने एक दिन आके तो कब किसी बात से फिर पछताएगा कौन? मैं चाहता हूं उन बातों को भूल गए हम सब लोग जो जीते हारे पक्ष विपक्ष सब इस हाउस के सदस्य हैं। तो वहीं हसनैन अख्तर ने कहा कि हमने इस कमेटी को चुनकर कोई गलती नहीं की है, क्योंकि जब से कमेटी बनी है तभी से लगातार कमेटी काम कर रही है, अधिकारियों से मिलकर निर्यातकों की समस्याओं को उनके सामने रख रही है। इस दौरान कहा गया कि निर्यातकों को सदस्य बनाया जाए और कहा कि जिन निर्यातकों के वोटों में गड़बड़ी थी उनको भी सुधारा जाए। जो भट्टियां हमारे कारीगरों की अवैध रूप से वसूली के लिए बंद हो रही हैं, प्रदूषण का भय दिखाकर वो बंद न की जाएं, उन लोगों को समय दिया जाए ताकि वो लोग अपग्रेड हो सके। हमारी इस प्रार्थना को एसपी सिटी महोदय ने तुरंत स्वीकार करके पुलिस को आदेश दिया कि किसी प्रकार की चेकिंग नहीं है। जो पिछले 5 वर्षों का कार्य था उस बैलेंस शीट का भी ऑडिट हो कि पिछले 5 साल में क्या क्या हमारा निर्यातक कोई भी पैसा किसी भी रिफंड के लिए नहीं देगा। ये जो बहलावी का माहौल है कि मैंने 6% तय कर दिया, मैंने 5% तय कर दिया, हमारी एसोसिएशन की कार्यकारिणी इन बात को नहीं देती है। हम मेरिट पे आएंगे, थोड़ा हमारा जीएसटी का रिफंड लेट भी होगा तब भी हम लेंगे, लड़ेंगे, लेकिन हम पैसे नहीं देंगे। ये हमारा पहला उनसे फॉर्म था। इसका जो रिफंड 30 अप्रैल तक का बकाया है और उसने पेपर दाखिल किए हैं वो हमें उनको दे, लेकिन शायद आज तक हमारे पास कोई पेपर नहीं है। थोड़ा धीमी गति से काम होगा, लेकिन आप ये विश्वास रखें कि अगर आपने हमें अपनी नुमाइंदगी दी है तो हमने दलाली करने के लिए आपकी नुमाइंदगी नहीं दी। इस अवसर पर अध्यक्ष नवेदुर रहमान, सचिव अवधेश अग्रवाल, नजमुल इस्लाम, अनुशेष सिंह, शरद बंसल, हामिद हुसैन, अमित अग्रवाल, महेश अग्रवाल, अजय गुप्ता, हेमंत जुनेजा, वी के लोहिया, रवि अरोरा, के एल ढल, हाजी इफ्तखार अली, अरनाकुर रहमान, अजय गुप्ता, विपिन लोहिया, विनय मंगला, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष अमित अग्रवाल, हुसनैन अख्तर, नदीम खान, नवील अहमद, कमल सोनी आदि के साथ और भी निर्यातक मौजूद रहे। कमिश्नर महोदय के साथ और सबसे पहला मुद्दा मैंने ये उठाया कि जो ई वे बिल की 50,000 रुपए से नीचे की चेकिंग हमारे कारीगरों की हो रही है, मैं निर्यातकों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूं, उनसे जुड़े हुए हर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, चाहे वो कारीगर है चाहे वो रिक्शा वाला है, उसकी समस्याएं भी मेरी एसोसिएशन की मेरी कार्यकारिणी की समस्या है। आपने अगर किसी का रिक्शा रोका है तो हम इससे आपका साथ नहीं देंगे। कमिश्नर साहब ने मुझसे सवाल किया कि भाई ये किस तरीके से निर्धारण होता है,
हमने कहा साहब आपने छूट दे रखी है जीएसटी अधिकारी को कि उसका बुद्धि और विवेक कह रहा है ये मात्र 60,000 का। तो उन्होंने सवाल किया कि जो विवेक है वो तो कभी आपका साथ देता नहीं होगा। मैंने कहा साहब विवेक तो इसका साथ देता, ये भरी मीटिंग में गवाह है, प्रेस भी गवाह है इसका। तो उन्होंने तुरंत अधिकारी को बुलाकर कहा कि थोड़ा सा अपने विवेक को स्लो कर लीजिए और जो उचित कार्रवाई है मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए किसी प्रकार की भी कि ये मुद्दा मेरे सामने दोबारा नहीं आना चाहिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।